युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। 5 लाख सरकारी नौकरी भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी गई। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई भाई भतीजावाद हुआ हो, कोई नहीं कह सकता है। और विभागों ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया और 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हुआ। और इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का कोई संकट नहीं हो, कहीं जाता है सम्मान के साथ, दुनिया उन्हें देखती है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के लिए यह जनादेश प्राप्त हुआ है। मुझे अच्छा लगता नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में, उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। क्या यह सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत ना आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती, कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में है। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी? लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए पूरी तरह सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई है, मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हो चुकी है। यूपी के इस युवा की ऊर्जा का लाभ यूपी लेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर के देश की अग्रणी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का काम भी करेगा। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतना गुमराह करने वाली बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी। किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय किया था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या 2013
2004 से लेकर के 2016 के बीच में हुई है। हम लोग आए थे 2017 में, प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। धान और गेहूं क्रय की एक पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, मैं एक कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा, इसकी खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच किसानों से धान का जो कुल क्रय किया गया, क्रय केंद्रों के माध्यम, क्रय केंद्र नहीं चलते थे पिछली सरकारों में, आड़तियों के माध्यम से क्रय किया जाता था, एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था,